कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहां से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। बुर्ज होम के मकाम पर हड़प्पा के बने हुए बहुत से नमूनों का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ये सिंध नदी की तहजीब से उनके ताल्लुक को भी जाहिर करता है। बड़ी तादाद में बेहतरीन पॉलिश की हुई हड्डियों, पत्थर के औजार और हाथ से बने बर्तन, और साथ ही इंसानी और हैवानी मदफन यमनाया गड्ढेदार कब्रों के कल्चर में मुशाबहत को बताते हैं। बरज़हूम में एक अहम दरियाफ्त मुनक्कश पत्थर का मिलना है। ये नक्श शिकार करने के लिए मंजर को दिखा रहा है, जिसमें एक बारा सिंघे को पीछे से बर्छा मारकर पार निकाल दिया गया है और दूसरा शिकारी उस पर सामने से तीर चला रहा है। ये नक्शकारी उन लोगों की तख्लीक हैं जो खुले मैदानों में जानवर चराया करते थे। लेकिन जिस चीज की दरियाफ्त सबसे ज्यादा दिलचस्प होगी वो ये है कि दिल्ली के करीब बिराना, कुनाल और राखीगढ़ी दोयम में जिन गड्ढों में रहने वालों के आसार मिले हैं, क्या वो यही लोग थे जिन्होंने लद्दाख और कश्मीर में हजरी दौर शुरू किया और दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दी, या फिर ये लोग किसी और असल से ताल्लुक रखते थे जिसका पता लगाना अभी बाकी है। कदीम अहद के लोगों के जरिए बनाई गई एक पेंटिंग में एक बकरे को दिखाया गया है जिसका पीछा एक कुत्ता कर रहा है। यही एक तस्वीर हड़प्पा में बनाए गए एक खूबसूरत मिट्टी के बर्तन पर भी मिली है, लेकिन इसमें एक कुत्ता एक हिरन का पीछा कर रहा है। ये बर्तन नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें कई पहलू हो सकते हैं। यहाँ हम दो इम्कानात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। पहला तो ये कि चट्टान और बर्तन दोनों पर ही एक ही आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई होगी, या फिर दूसरा ये कि हड़प्पा का वो आर्टिस्ट उसी कबीले से होगा और उसने बर्तन पर तस्वीर बनाते हुए बकरे की जगह हिरन की तस्वीर बना दी होगी। इस जमाने में अबलाग की सलाहियतों और जबानों में भी इर्तका हुआ। इस जाविये से कबाइल के दरमियान और टेक्नोलॉजी में फायक बस्तियों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को जरूर बढ़ाया होगा। तामे के अहद के कई कल्चर जो फले फूले और जिन्होंने ज़राअत को सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा और राजस्थान में तरक्की दी, शहरी तहजीबों के उभार के लिए उन्होंने साजगार हालात पैदा किए। इनमें तांबा बनाने वाली कई कौमें सिंध के सैलाबी मैदानों को नकल मकानी कर गईं। उन्होंने कदीम सलाहियतों को निखारा, नई महारतें पैदा की और अपनी बाकी गलतियों के जरिए टीन को तांबे से मिलाकर कांसा दरियाफ्त कर लिया। क्योंकि कांसा बड़ी सख्त आमेजश थी तो जिन कौमों ने इसकी दरियाफ्त की थी उन्होंने इससे पायदार और मजबूत औजार और असलहे बना लिए और फखरिया तौर पर वो कांसे के अहद में दाखिल हो गए।
इन तहजीबों के जरिए जो सबसे नुमायां तरक्की हुई वो उनका बड़े पैमाने पर अच्छी तरक्की याफ्ता शहरी रियासत का प्रोजेक्ट था, जिनको नदियों की तहजीब कहा जाता है। तरक्की याफ्ता तंजीमी सलाहियतों ने शहरी रियासतों की प्लानिंग करने वालों को इस काबिल बना दिया कि वो इंसानी वसाइल को काम में लाकर अपने अजीम और रियासियाती तामीरी कामों की प्लानिंग कर सकें। इस तरह की अजीम तहसीबें मिस्र, मेसोपोटामिया, हिंदुस्तान, चीन और पेरू में बरपा हुईं। हर तहजीब ने अपनी शानदार शहरी रियासतें तश्कील दीं और उनको अपनी जरूरियात और बदलते हुए मौसमों के मुताबिक तश्कील दिया। समाजी और सकाफती जाब्ते मुकर्रर किए और फजलात के अखराज के तकाजे पूरे किए और तख्लीकी रोशन ख्याली और मजहबी रसूमात को तरक्की दी। हिंदुस्तान में तहजीब का अहद हड़प्पा तहजीब से शुरू होता है, जिसकी तरक्की का जमाना 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह का है। ये तहजीब मुख्तलिफ अदवार में उभरी और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मुख्तलिफ तरह की मुआशी सरगर्मियों, टेक्नोलॉजी और सनत का इर्तिका हुआ। अब तक इस तहजीब से वाबस्ता तकरीबन 2000 मकामात की दरियाफ्त हो चुकी है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन 8,00,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। ऐन गजाल और नई दरियाफ्त शुदा हिंदुस्तान की शहरी तहजीब के औजारों के दरमियान गैर मामूली मुशाबहत है। ये तहजीब दरियाए रावी के किनारे और मोहन जोदड़ो के मकाम पर थी और तकरीबन 200 हेक्टेयर में ये शहर फैला हुआ था। इसकी आबादी का तखमीना 35,000 है, जो बहुत रियाजियाती तरीके से प्लान की गई थी। अजीम किला बंदी शायद ताजरों के सामने एक मुजाहरा भी थी, जिससे उनको हिफाजती इंतजामात की खूबी का अंदाजा हो सके और मजीद तिजारती सरगर्मियां बढ़ीं और तहफ्फुज के लिए इनसे मजीद टैक्स वसूल किया जा सके। तहफ्फुज के इस बेनजीर इंतजाम ने माहिरीन को और मुहक्किकीन को नए रास्ते सुझाए हैं कि वो लोगों और तहफ्फुज की जरूरियात के दरमियान नए रिश्ते अस्तवार कर सकें, जो उनके कल्चर के फरोख के लिए जरूरी थे। हर इलाके की अपनी खसूसियात और जरूरियात होती हैं, जिनको लोग इख्तियार करते हैं। इस चीज को समझकर यहां आबाद होने वाले लोगों ने जाती सेहत की अहमियत को महसूस किया होगा। लंबी उम्र का राज जाती सेहत और माहौलियात की सफाई था, जिसका अंदाजा मोहनजोदड़ो में दरियाफ्त शुदा हम्माम से होता है। लेकिन तहजीब के सारे मराकज शहरी नहीं थे, बल्कि ज्यादातर मकामात गांव थे। शहर खाने और मजदूरी के लिए उन गांवों पर इन्हिसार करते थे और शहर की बनी मसनूआत गांव को भेजी जाती थी। इस तरह बिल्कुल आज की तरह शहर और गांव एक दूसरे पर मुनहसिर थे। ये कदीम इंसानी समाज की एक बड़ी छलांग थी। शहरी इलाके देहात में माशी और समाजी इनकलाब लाए। मुख्तलिफ किस्म के गांव अपने जुग्राफियाई और तारीखी वसाइल और शहरों की कुर्बत पर मुनहसर होने लगे। शहरी माहौल ने अपने अंदाज के नए माशी और समाजी रवाबित अस्तवार किए, जिनकी वजह से अवामी इमारतें वजूद में आईं। बाजार, अवामी जरूरियात और शहरों की हिफाजत के लिए बुलंद किले तामीर हुए। अबलागो तरसील के लिए नए जराए वजूद में आए। हिसाबात और रिकॉर्ड्स रखने के लिए तहरीरें वजूद में आईं। मोहरें वजूद में आईं, जो शिनाख्त और एतमाद का वसीला थीं कि तबादला हमेशा जाने पहचाने लोगों के दरमियान ही नहीं होता और आमतौर पर गैर मुश्कस होता है। नई दरियाफ्तों पर इन्हिसार करते हुए और हड़प्पा के तख्लीकी जौक की निशानदेही करते हुए दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर वसंत शिंदे ने कहा है कि मेसोपोटामिया और मिस्र से ताल्लुक होने की वजह से
हड़प्पा के लोगों ने भी बहुत से नए तरीके और बहुत सी नई तकनीकें दरियाफ्त की थीं। मोहनजोदड़ो का अजीम गुसलखाना अब तक का वाहिद दस्तियाब नमूना है जो अवामी तालाब था। अब तक का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल गुजरात में मिला है और अब तक सबसे पहले जोता हुआ खेत काली बंगन राजस्थान में दरियाफ्त हुआ है। कुछ में धौलावेरा मुनफरिद अंदाज का मकाम है। ये तीन हिस्सों में मुनकस्म है, यानी किला, दरमियानी शहर और जेरी शहर, जबकि दूसरे हड़प्पा अहद के शहर सिर्फ दो हिस्सों में मुनकस्म हैं, यानी किला और जेरी शहर में। धौलावेरा के किले की दीवारें 15 मीटर ऊंची हैं, जिसके पीछे शहर के लोग इत्मीनान से रहते होंगे। इस दीवार को बनाने में बहुत मेहनत और प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी, पर उस वक्त इन दीवारों की क्या जरूरत थी, ये बात कोई भी हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट ठीक से बता नहीं पाया है। ये मकाम कच्छ के खुश्क इलाके में वाकई है, इसलिए यहाँ के लोगों ने बारिश के पानी का जखीरा करने के लिए जेरे जमीन कुएं और टैंक बनाए थे। इस मकाम पर तामीरी काम पत्थर से हुआ है, जो किसी और मकाम पर नहीं हुआ। दूसरी जगहों पर बिलउलूम कच्ची और पक्की ईंटों की इमारतें हैं। लैटरीन का कमोड सिस्टम, जिसको मगरिब की ईजाद बताया जाता है, वो भी हड़प्पा अहद में धौलावेरा में ईजाद किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बुर्ज होम के आसपास के इलाकों में जब तहकीकात की तो इसी तरह के कई मुमासिल मकामात सामने आए हैं, जो झीलों की गात पर वाक़े थे। बतौर खास वादी कश्मीर के जनूब मशरकी हिस्सों में ये वाज़े तौर पर बताता है कि नए आबादकार आ रहे थे और उन्होंने इस खत्ते को आबादी और रिहाइश के लिए मुनासिब पाकर वहाँ पूदाश इख्तियार कर ली थी। मगर हजरी अहद का मरहला दोम और मरहले सोम, जो 1530 काफ मीम तक है, उस मकाम को तारीखी नुक्ते नज़र से नहायत अहम बना देता है। गालिबन उस जमाने में इस खत्ते में नए कब्जा गिर आए और उन्होंने नए नए तामीरी नमूनों को यहाँ मुतारिफ कराया। गड्ढों में रिहाइश और मैन हायर की तामीर ये बताती है कि रिहाइश पजीर लोगों का यूरोपियनों से क्या ताल्लुक था और बर्ज़हूम में लोग मजहबी और तदफीन की रस्में भी मनाते थे। ये कैसे होता था, इसको यूं समझा जा सकता है कि 2000 काफ मीम तक हड़प्पा तहजीब के तरक्की याफ्ता शहरी मराकज ने राजस्थान के शिकारियों, मकरान के कबायलियों और कश्मीर के रहने वालों से तामुल शुरू कर दिया था। उस वक्त तक मुख्तलिफ तहजीब के लोगों में गैर मुल्की पत्थरों और जंगली सामानों, मसलन हाथी दांत का जौक पैदा हो चुका था। हिंदुस्तानी दस्तकारी ने शोहरत हासिल कर ली थी और इनकी जबरदस्त दस्तकारी ने बहुत सी तहजीबों के लोगों के दिल जीत लिए थे, जिनमें मेसोपोटामिया यानी इराक भी शामिल है। हिंदुस्तान तेजी से गैर मुल्की सामानों और अच्छी कश्तियों के मरकज के तौर पर उभर रहा था। इस तामुल के दौरान हड़प्पा कल्चर के नुमाइंदों ने इराकियों और दूसरे लोगों से अपने उभरते कल्चर और फरोख पाती तहजीब के बारे में जरूर बताया होगा। इस मोड़ पर समाज में खुलापन आया होगा, जो कि सकाफती निशात व हरकियत, खुलेपन, तामुल बाहमी और बाहमी शादियों और कई जबानों के बोलने से पैदा होता है। इन अवामिल की तकवियत से तामुल बाहमी और ज्यादा मजबूत हो गया होगा। चंद हजार साल पहले हिंदुस्तान की आबादी की साख्त आज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ रही होगी। 2000 से 4000 साल कबल इंडिया में मुश्तरका शादियां आम थीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और CSIR यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद इंडिया के साइंसदान थंगराज कुमारा स्वामी,
ये शहादत फरमाते हैं कि जदीद हिंदुस्तान मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान इख्तलात का नतीजा है। ये तहकीकात 8 अगस्त 2014 को अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में शाये हुई हैं। ये बताती हैं कि इंडिया जहां पहले मुख्तलिफ आबादियों में इख्तलात बिल्कुल आम था, अब एक ही गोत्र में शादी और जात पात का रिवाज मामूल बन गया था। चूंकि बाज इंडो यूरोपियन कबीले रिहाइश के लिए एक मियारी जगह की तलाश में थे, लिहाजा इन बाहमी मुलाकातों ने उनको उकसाया होगा कि वो जनूब की तरफ निकलें और अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर इंडिया की तरफ जाएं। इसी वजह से फराह गोरखपुरी ने कहा है, सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक, काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। बुर्ज़ुहूम अभी कई चीजों की नकाब कुशाई और करेगा। बुर्ज़ुहूम से मिले गोल बर्तन, जिस पर वाजे तौर पर सींग बने हुए हैं, कि नई दिल्ली के म्यूजियम में नुमाइश की गई। इसमें गुलाबी रंग के पत्थर और संगे सुलेमानी की लड़ियों के 950 टुकड़े थे, जिनका ताल्लुक हड़प्पा जमाने से है। प्रोफेसर शिंडे ने कहा, इन्होंने हड़प्पा कल्चर के जवाल के असबाब पर भी रोशनी डाली। अजीम अर्जी प्लेट की तब्दीली के जरिए माहौलियात में गैर मामूली तब्दीली आई और उसके नतीजे में गैर मुल्की तिजारत कम हुई। ये खाकर और हाकरा नदी की तहजीब के सवाल का ज्यादा माकूल सबब है, बनिस्बत इसके कि इंडो यूरोपियन अचानक नमूदार हुए और उन्होंने उसको खत्म कर दिया या वो सैलाब से खत्म हो गए। इस दौरान हिंदुस्तान में दिल्ली के करीब एक नया मकाम दरियाफ्त हुआ है। उम्मीद है कि इसके जरिए कुछ नए राजों से पर्दा जरूर उठेगा। चंद हजार साल पहले कभी सिंध घाटी में एक बड़ी तहजीब हुआ करती थी, अब वो पाकिस्तान और मगरबी इंडिया में है। बड़े सगीर में यह सबसे पहला मालूम शहरी तमद्दुन है। सिंध घाटी की तहजीब मगरबी यूरोप के रकबे के बराबर के रकबे में फैली हुई थी। अगर हम इसके जोग्राफियाई फैलाव को मद्देनजर रखें तो मालूम होगा कि कदीम चार तहजीबों इराक, मिस्र, हिंद और चीन में यह सबसे बड़ी थी। ताहम इन सभी में सबसे कम मालूमात सिंध घाटी के लोगों के बारे में है। इसकी वजह यह है कि सिंध घाटी का रस्मुलखत अभी तक पढ़ने में नहीं आया। मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और तावीजों में बहुत सी चीजें अभी पढ़ने में नहीं आई हैं। गुलाबी शक्ल के पत्थरों की तहरीर समझ में ना आने की वजह से माहिरीन आसार कदीमा बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद अभी तक उनको पढ़ नहीं सके। हड़प्पन तहजीब के सबसे ज्यादा मकामात हरियाणा में हैं, यानी 350 मकामात। इसके बाद गुजरात में हैं, जहां ये 230 हैं। फिर पंजाब है, जिसमें 147 मकामात हैं। फिर उत्तर प्रदेश है, जहां 133 मकामात हैं। फिर राजस्थान है, जहां ये 75 हैं। छत्तीसगढ़ में 4 हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 3 मकामात हैं, दिल्ली में 1 और जम्मू में भी 1 मकाम है। प्रोफेसर वसंत शिंडे का जायजा कितना सही है, इसका अंदाजा यूं किया जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली के अंदर हड़प्पा के अहद से ताल्लुक रखने वाले 8 मकामात दरियाफ्त किए हैं। लेकिन दिल्ली के करीब अहम तरक्कियां हो रही थीं। हड़प्पा वालों ने अपना रास्ता खुद निकाला और उनके बास तामीरी कारनामे तो
दुनिया में मुनफरिद हैं। उनके अच्छी तरह मंसूबाबंद बस्तियों के तामीरी नक्शे, जबरदस्त इमारतें और पानी और सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना नमूने के काबिल था। इस ख्याल की ताईद करते हुए मारूफ मौरिख प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं, तारीख माजी की कहानी होने के बाइस तब्दीलियों की एक दास्तान है। हम अपने अतराफ में तब्दीलियों को वकू पजीर होते देखते हैं। लंबे अरसों में न सिर्फ इंसानी जिंदगी के तरीके बल्कि सोचने समझने के असालीब, अकायद, जबान और रसूम और रिवाज भी मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। तकरीबन 150 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने यह दिखाया है कि बशमूल इंसान की तमाम नस्लें मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरती रही हैं जिनमें लाखों साल लग गए। डार्विन से पहले ही ये साबित हो चुका था कि जमीन की सतह भी जमाने के साथ जबरदस्त अंदाज में तब्दील हो चुकी है। अगरचे हमको सैकड़ों क्या हजारों लाखों सालों का अंदाजा इस बारे में करना पड़ता है। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहां से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।